हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैंने तो व्लॉगिंग जो है वो बिल्कुल छोड़ दी हुई थी, लेकिन अब ईद आ गई है। ये देखिए मैं मेहंदी भी लगवाई हूँ, तो मैंने सोचा चलो दोबारा से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ व्लॉग बनाने को, तो आज हम अपने जो चांद रात है वो इस तरह सेलिब्रेट करेंगे किचन से। मैं आपको सारी स्टोरी बताती हूँ, चलो। लेकिन अब हम करेंगे काम, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज हैं, उसकी मैं ये चीज़ें उतारूँगी, क्योंकि हमने कल बनाना शेक। तो बस यार, माँ बाप के बगैर तो कोई लाइफ नहीं है। जब मम्मी होती थी ना, तब इतना जहन में भी नहीं रहता था कि ये काम करने हैं या नहीं करने हैं। तो अब जब सोचते हैं तो बिल्कुल ठीक होती। ईद पर जो भी गेस्ट आएंगे उन्हें सबसे पहले स्ट्रॉबेरी शेक मैंने सर्व करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे पहले ही फ्रीज करके रख लूँगी। मीठी ईद वैसे भी मीठे के बगैर नामुकम्मल लगती है, तो खीर के लिए मैंने चावल भी बॉयल कर लिए, दूध भी मैंने चढ़ा दिया था ताकि बॉयल हो, और साथ ही सारे काम एक साथ कर रही हूँ। चिकन भी मैं साफ़ कर रही थी, कल मैंने बिरयानी बनानी है, तो पहले ही चिकन को साफ़ कर लेंगे, मैरिनेट कर लेंगे, तो फिर बिरयानी अच्छी बनती। तो गैस चली गई थी, तो फिर जो है खीर मैंने सिलेंडर पे रख दी और सारी रात लगी इसको बनाने में। नेक्स्ट डे ईद वाले दिन सबसे पहले मैंने उठते साथ ही ये ईदी इनवेलप्स बनाए सिस्टर के लिए और बच्चों के लिए, बच्चों ने आना था। ये कार्ड्स मैंने उर्दू बाज़ार से लिए थे, ये बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं बच्चों को, जब इसमें ईद देते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं। बच्चों की ईद होती है, उनको ईदी मिलती है, तो कुछ इस तरह का क्रिएटिव मिल जाए तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बच्चे खुश तो हम खुश। तो जी सबसे पहले मैंने इसको इसके अंदर पैसे ऐड किए, बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया ताकि बच्चे आए तो उनको दे दें। उसके बाद मैं चली गई किचन में, तो आज हमने बिरयानी और मटन का सालन बनाना है, और सारे मसाले वगैरह मैंने रात को ही तैयार किए हुए थे, और चिकन को भी मैरिनेट किया हुआ था रात से ही, और इसको मैं फ्राई करूँगी, और ये फ्राई चिकन बहुत अच्छा लगता है बिरयानी के अंदर। और यहाँ पर प्रेशर लगा देंगे मटन को ताकि ये गल जाए, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था और मसाले वगैरह, नमक मिर्च और गरम मसाला ऐड करके इसको चूल्हे पे रख देंगे। और सारे काम जो है वो साथ साथ चल रहे हैं, लंच में आना था तो मैंने कहा जल्दी जल्दी काम हो जाए। ईद पे ना हाउस हेल्प की भी जो है वो ऑफ होती है, ज़ाहिर बात है उन्होंने भी अपने घर वालों के साथ ईद मनानी होती है। तो जी हम लड़कियों की तो ईद जो है वो किचन में ही गुजर जाती है, किचन से ही हम सबको हेलो हाय कर रहे होते हैं और खाना सर्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं मटन चेक कर रही थी कि इसकी बोटी गल गई है कि नहीं गली, लेकिन अभी नहीं गली हुई थी, तो मैंने दोबारा इसको वेट लगा दिया, और साथ ही प्रेशर में ही मैंने इसका मसाला बना लिया, जल्दी बन जाता है, ईजी है। और उसके बाद मैंने इसको मैशर से ऐसे मैश कर लिया, और इसको मैश करने के बाद इसका पानी ड्राई होने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया मटन की, जो मैंने उसको वेट लगा के उसका जो गोश्त जो है उसको बॉयल किया था या वेट लगाया था वो मैंने इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह भून लिया। मटन का ये होता है कि इसको जितना इसका मसाला अच्छा भुना जाएगा उतना अच्छा इसका जो है वो सालन तैयार होता है। ये सालन भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको भूनने के लिए रख दिया, और एंड में मैंने थोड़ा सा दही डाल दिया। दही ऐड करने से सालन की ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। अरे तो गेस्ट आ चुके थे हमारे, और मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ चिकन विंग्स। ये बिग बर्ड के चिकन विंग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं, और यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी इनको फ्राई कर लिया ताकि बस अब खाना लगाया जाए। मुझे खुद भी बड़ी भूख लगी हुई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 30 रोज़े होंगे, अभी एक दिन मिल जाएगा, लेकिन एक दिन नहीं मिला, तो फिर चांद रात और ईद का दिन काम करने में भी निकल गया। तो जी यहाँ पर मैंने ये खाना बनाया, गेस्ट को सर्व किया, खाना बहुत मज़े का बना था, सब ने बहुत तारीफ की। कि ईद के फर्स्ट डे तो मैं बिल्कुल रेडी नहीं हुई थी क्योंकि काम में ही निकल गया, तो उसके बाद जी मैं अपने एड्रेस जो है वो प्रेस कर रही हूँ। कल जो है मेरा ऑफिस था, ईद के सेकंड डे मेरा मुझे ड्यूटी पे जाना था, तो मैं वो कपड़े प्रेस कर रही थी, और मैं ईद के सेकंड डे ऑफिस में कैसे रेडी होके गई ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए।